नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है पूर्वी चंपारण जिला के कोटवा प्रखंड अंतर्गत बरहरवा पूर्वी पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के पूर्व मुखिया जी अरुण कुमार दुबे जी। और आज हम इनसे बात करिए, जानेंगे कि यहाँ इस पंचायत की वर्तमान स्थिति क्या है। 20 वर्षों से पंचायती राज व्यवस्था जो बेहतर काम कर रही है, उस के अंतर्गत इस पंचायत का विकास कितना हुआ है। साथ ही साथ मैं आप दर्शकों को ये भी बता दूं, ये कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है, इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर बात नहीं की जा रही है। जो भी बात है मैं इनसे जानकारी लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। चूंकि आप अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि भी हैं हमारे साथ दर्शकों में, तो आप इसको लेकर जो ये बात बताएंगे अरुण कुमार जी, वो उनसे जो भी बेहतर हो सकता है, जो आप लोगों के सहयोग से हो सकता है, उस पर आप काम करेंगे, इसी को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम। थैंक यू अरुण जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके पंचायत में सड़क की स्थिति कितनी बेहतर हुई है अभी के समय में। सड़क की स्थिति मिला जुला करके अच्छी है। हम लोग भी पहले भी कुछ BRGF से और चतुर्थ वित्त से, पंचम वित्त से भी PCC करवाए थे। अभी मुख्यमंत्री निश्चय योजना के तहत भी PCC करवाए हैं हम लोग। कुछ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी अभी 3-4 सड़क पास हुई है, वो बन रहा है। तो मिला जुला के सड़क की स्थिति अच्छी हो चुकी है। लगभग 95% सड़क की काम हो चुकी है। 5% में बाकी है, जो हम लोग का भी प्रयास है जो इसको जल्द से जल्द काम को निपटारा कर दिया जाए। नरेगा से हो या निश्चय योजना से हो, कोई भी फंड से हो, जो पंचायत में जन समस्या जो भी है कि जनता के लोगों के मतलब कि आने जाने में सुविधा हो, और कहीं कीचड़ ये सब का पार नहीं करना पड़े, उन लोगों का समस्या का समाधान हो, हम लोग भी अपने प्रयास में तत्पर हैं। तो एक बार बताया, अभी आपके यहाँ कच्ची सड़क कितनी है वो आप बताएं। कच्ची सड़क है एक ठो, जो जिसको भी हम लोग विधायक जी के ऊपर प्रेशर डाले हुए हैं, जिसमें थोड़ा बस्ती कम है, जो बरकुरवा ग्राम में हम लोग का ऊपर जाएगा लगभग 2 किलोमीटर के करीब में, जो बिल्कुल अभी कच्ची सड़क है, तो मन के किनारे किनारे, तो वहाँ पर बस्ती कम होने के कारण थोड़ा उसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। वो सरकारी जो भी उसका व्यवस्था है, उसमें विधायक जी बोले हैं, जो उसको हम बोले थे जो हम उसको पास करवा देते हैं, तो अभी नए विधायक जी से अभी भेंट मुलाकात नहीं हुआ है। हम लोग भी लगे हैं इसको, उसको नरेगा के माध्यम से, उसके अलावा सब ठीक है। हाँ, जो सोलिंग करवाएं, बाकी सब सड़क ठीक ठाक है। अभी जो सड़क है वो आप सड़क की स्थिति को बेहतर मान रहे हैं अपने पंचायत? हाँ, बेहतर मान रहे हैं, क्योंकि यानी मैंने 2-3 महीना में ज़्यादा से ज़्यादा काम होने वाला है, हो रहा है, काम लगा हुआ है। जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना या मुख्यमंत्री निश्चय योजना से भी हम लोग भी लगे हैं, और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से भी रोड बन रहा है कि 2-3 माह में हम लोग के मतलब कि सड़क की समस्या समाधान हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बरहरवा पूर्वी पंचायत की जो सड़क की स्थिति है, ये बेहतर है और इनके नज़र में बेहतर है। आप दर्शकों को नज़र में कैसी है वो भी आप ज़रूर हमें बताएंगे, चूँकि आप यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो आप भी बताएं। अगर कोई ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी सड़क है जहाँ पर काम होना बाकी है, तो उस पर भी हम लोग जाकर देखेंगे कि क्या बेहतर वहाँ किया जा सकता है। मैं भी अपनी तरफ से सहयोग करूँगा, और आप अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के दर्शक जो समाज से जुड़े हुए हैं, तो वो भी बताएंगे, तो भी आप बेहतर होगा। एक बात बताएं अरुण जी, कि सड़क के अलावा जो सबसे ज़रूरी की चीज़ है वो आवास है लोगों के लिए गाँव की स्थिति में, तो कैसी स्थिति है आवास योजना की जो आपके यहाँ आई है सरकार की? आवास की भी स्थिति अच्छी है। साल में 150-200 इंदिरा आवास भी हमारे पंचायत में मिल रहा है। अनुसूचित जाति में कुछ नाम जुड़ने वाला है, जो हम विधायक जी से भी विधानसभा में क्वेश्चन करवाए थे, तो अब सरकार जब आदेश करे तो कुछ लोग जो बकाया है उसका नाम जुड़ेगा वो PMY योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो उन लोगों को भी आवास का लाभ मिलेगा। बाकी जिसको मिला है उसमें से लगभग 60-70% लोग बना चुका है, कुछ लोग अपना कार्य चालू किया है, कर रहा है लोग धीरे धीरे आवास का कार्य जी। आपको जानकारी है कि सरकार ने जो योजना पहले दिया था और जिसमें लोगों ने आवास नहीं बनवाया है, उन पर कार्रवाई की जा रही है, इसकी अंदाजा है, जानकारी मिली है? कार्रवाई तो मैंने ब्लॉक के माध्यम से हम लोग को पता चला है, जो सब लोग के ऊपर नोटिस हो रहा है कि आवास का कार्य करना है, और जो नहीं करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। हम लोग भी प्रेशर बनाए हुए हैं आम पब्लिक के ऊपर, जो भाई आप लोग को फंड मिला है तो आप लोग कुछ मिला जुला करके उसका कार्य करिए, काहे कि आवास में आप ही लोग न रहिएगा, उससे फ़ायदा आप ही लोग का है जी। तो ये आवास योजना की स्थिति संतोषजनक है आपके विचार में? मिला जुला के संतोषजनक है। तो आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर सरकार की जो स्थिति है, योजना की स्थिति है, उसमें ये भी है
कि अगर आपने आवास नहीं बनवाया और आपने लाभ लिया है, प्रथम किस्त अगर आपने उठा लिया है और उसका आवास निर्माण नहीं हुआ है, तो आप पर FIR होगा और उसके बाद कार्रवाई जो होगी वो आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। तो आप दर्शकों से अपील है, चूँकि सरकार का जो मंशा है, जो आपके सहयोग के लिए सरकार जो काम कर रही है, तो उसमें ज़रूर आवास आप बनवा लें। ये चौपाल समाचार के माध्यम से कहेंगे बरहरवा पूर्वी के लोगों को, साथ ही साथ इस बिहार के और पूरे देश स्तर पर ये बात चल रही है सभी लोगों को। एक बात बताएं, अभी शौचालय निर्माण की क्या स्थिति है? शौचालय भी ठीक ठाक है, मिला जुला के कुछ लोग है जो शौचालय अभी नहीं बना पाया है, तो हम लोग भी ब्लॉक पदाधिकारी के ऊपर दबाव बनाए हैं कि जिसको इंदिरा आवास मिल रहा है उसको भी शौचालय का लाभ दिया जाए, जे कहे कि वो भी लोग भी शौचालय बनवा ले। मैंने बहुत तक सुधार हो चुका है, अभी भी देहात में लोग कुछ अनपढ़ गंवार लोग हैं जो इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग अपने माध्यम से वार्ड सदस्य का माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी गांव में टोला में जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग भी समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई इज्जत घर है, ये आप लोग सब लोग बनाइए, अपने बेटी बहन को खेत खलिहान में बाहर मत जाने दीजिए, इज्जत घर में भेजिए, शौचालय में भेजिए, आप लोग भी शौचालय का यूज करिए, काहे कि उससे किस्म किस्म का अनेकों प्रकार का बीमारी उत्पन्न हो रहा है, इससे आप लोग को भी बचावा हो, सुरक्षा हो। तो इसमें कितने प्रतिशत लोग हैं जो कि अभी शौचालय में नहीं जा रहे हैं आपकी नज़र में? माने बहुत कम लोग है, जहाँ भी मतलब कि हमारा पिछड़ा तबका के लोग है, समाज के लोग, जहाँ थोड़ा गरीबी बहुत बड़ा पय है देश के अंदर, समाज के अंदर, वो लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि लोग पहले अपने से बनवा लें उस टाइप। सार्वजनिक शौचालय को लेकर के भी तो सरकार योजना लेके आई है, तो उसमें क्या दिक्कत है? सार्वजनिक शौचालय नहीं बना आपकी पंचायत? बन रहा है तो हमारा सेमरा टोला 6 नंबर वार्ड बहुत महादलित बहुत बड़ा बस्ती है, उसमें बन रहा है सार्वजनिक शौचालय। कुछ जगह जमीन ही नहीं मिल पा रहा है कि जो शौचालय बनवाया जाए, जैसे हमारे 5 नंबर वार्ड में शौचालय पास हुआ है सार्वजनिक शौचालय, तो जमीन के दिक्कत से थोड़ा ही रुका हुआ है काम, अभी प्रयास में है हम कि जमीन मिल जाए तो उसको भी हम बनवा दें। लेकिन स्थिति संतोषजनक है आपके विचार? संतोषजनक है। चलिए, तो ये यहाँ पर जो शौचालय निर्माण की योजना है उसकी स्थिति भी यहाँ पर संतोषजनक है इन्होंने बताई है। और जो भी बचे लोग हैं, मैं वो भी फिर से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो इस योजना का लाभ लेकर अभी तक शौचालय नहीं बनवाए हैं, तो अभी भी समय है, उसको किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये जरूरी है, जिन लोगों ने बनवा लिया है उसका उपयोग करें, ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और साथ ही साथ आपके पड़ोसी का भी स्वास्थ्य आप पर निर्भर करता है। यदि आप खुले में शौच करते हैं तो आप ही उससे नुकसान में नहीं जाते हैं, उस गाँव के और लोग जो घर में तो शौचालय जाते हैं लेकिन बाहर जब आते हैं, वो खेत में आते हैं या और कुछ काम करने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर उन लोगों को उस गंदगी का सामना करना पड़ता है, तो ये बहुत ही नाजायज है। और मेरे विचार में और सभी लोगों के विचार में, जो अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, उनके विचार में आप सभी को शौचालय में जाना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। हाँ, एक बात बताएं, हाँ, बिजली को लेकर आपने कुछ बताया था पहले भी, और अभी क्या स्थिति है बिजली की? बिजली की स्थिति बहुत अच्छी है हमारे यहाँ, सब घर में बिजली लग चुका है। खुद हम अपने खड़ा होकर के 2016-17 में बिजली ऑफिस के माध्यम से, विभाग के माध्यम से हम अपने पूरा पंचायत में लगवा चुके हैं। हाँ, थोड़ा सा है इसमें जो पूर्व का जो जो नंगा तार है उसी को विभाग में लिख के भेजे हैं, लेकिन अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हो रहा है कि उससे थोड़ा आने वाले समय में खतरा उत्पन्न हो सकता है, खतरा होता भी है। तो नंगा तार अगर बदला लिया जाए विभाग के तरफ से और केबल वाला तार लगा दिया जाए तो ये समस्या समाधान हो जाएगा। बाकी बिजली हर घर पहुँच चुका है, हर घर बिजली उपलब्ध कर रहा है, हुआ है। तो ये स्थिति है। राशन कार्ड को लेकर क्या स्थिति है, शॉर्ट में बताएंगे, समय चूंकि ज़्यादा हो रहा है जी। राशन कार्ड भी लगभग सब किसी को मिल चुका है, एका दूका लोग है जिसको राशन कार्ड नहीं मिला है, तो हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात किया तो बोले कि अप्लाई आवेदन हो रहा है, ऑनलाइन करवा दीजिए, जो बाकी है उसका भी बन जाएगा, बाकी ठीक ठाक है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की क्या स्थिति है आपके? वो भी ठीक है, अब तो डायरेक्ट खाता में आ रहा है लोग को, हर महीने महीने सरकार 400 का महीना भेज दे रही है। जो लोग अभी लाभों की पात्रता में अभी आए हैं, मतलब 60 साल पूरा हुआ है, उन लोगों को फिर जोड़ा जा रहा है, प्रक्रिया चल रही है? हाँ, प्रक्रिया चल रहा है। नया जो लोग 60 वर्ष से ऊपर हो चुका है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन के तहत, उन लोगों को भी लाभ मिल रहा है, और जिसका 60 से ज़्यादा पूर्व जा रहा है उस लोग को हम फार्म भरवा करके हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन करवा देते हैं। वो जो है कार्यपालक सहायक जो लोग आया है उन लोग के माध्यम से। अभी वंचित लोगों की संख्या कितनी होगी, आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वंचित है, जैसे देखा गया है कई पंचायतों में अंगूठा नहीं काम कर रहा है, किन्हीं का आधार कार्ड में नाम उल्टा पुलटा हो गया है, किसी का एज नहीं पूरा हो रहा है किसी कारण से, दूसरे डॉक्यूमेंट में, ऐसा कुछ स्थिति है आपके? हाँ, 2-4-10 लोग ऐसे होगा जिसका अंगूठा काम नहीं कर रहा है, ऐसी तो परेशानी है, आधार कार्ड नहीं बन रहा है, ऐसे परेशानी है कुछ।
दो चार दस बीस को लोग मिल जाएगा जो बहुत वृद्धा भी हो चुका है और वो लोग पहले मिल रहा था, आज जब से ये खाता का जो सुविधा हुआ है खाता पर आ रहा है तब से वो लोग वंचित है, नहीं मिल पाए। इसको लेकर आगे अधिकारी पदाधिकारी को आपने जानकारी दिया है कैसे? सामाजिक सुरक्षा को संघ में हम जिला में भी लिख के दिए हैं और हम अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी बोले हैं, तो उन लोग के द्वारा संतुष्ट किया गया कि जो हम आगे इसका कार्रवाई कर रहे हैं, लिख के भेजे हैं, देखिए सरकार जैसे करेगा वैसे बताएंगे। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं अरुण जी से और ये बरहरवा पूर्वी पंचायत है जहाँ पर ये स्थिति से अवगत करा रहे हैं आप दर्शकों को। सीधे सीधे हम इनसे बात कर और आप दर्शकों से जरूर बार बार मैं कहना चाहूँगा कमेंट करें और अपनी बात जरूर रखें। अगर आपके पास कोई प्रश्न भी है तो बताएं, मैं फिर उस प्रश्न का जवाब इस पंचायत से लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, या अरुण जी से भी अगर कोई प्रश्न है तो पूछें, मैं आपको उसका जवाब लेकर आप तक पहुंचाने का अगली बार करूंगा। अच्छा एक बात बताएं, अभी आपने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात कही, अब सात निश्चय योजना जिसको लेकर सरकार बड़ा ही पिछले वर्ष में काम हुआ और उससे पहले भी लोगों ने काम किया है, तो क्या स्थिति है उसकी अभी? नल जल की स्थिति मिला जुला करके अच्छा है, लेकिन जो पूर्व में हम लोग को 16-17 में जो कुछ मॉडल एस्टिमेट के द्वारा काम करने के लिए मिला था, अब उसमें खराबी हो रहा है, कहीं लीकेज कर जा रहा है, कहीं उसका फेरुल टूट जा रहा है, तो उसमें सरकार को विशेषकर ध्यान देना चाहिए जो उसमें रिपेयर के लिए पैसा देना चाहिए, या वार्ड के खाता में दे या पंचायत के खाता में दे, माने वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाता में दे या पंचायत के खाता में दे जो उसको रिपेयर कराया जाए और ताकि फिर सभी लोग को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके, उसमें थोड़ा खराबी है। तो अरुण जी एक बार बताएं, अभी वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से लोगों को जो नल जल देना है वो फ्री में नहीं देना है, तो उसके पैसे नहीं आ रहे हैं क्या आपके उसमें? पैसा कोई नहीं दे रहा है, आम पब्लिक नहीं चाह रहा है जो इसमें पैसा दें। चलिए तो स्थिति सबसे पहले क्या है कि सरकार ने जो नल जल योजना लाया जिसके माध्यम से लोगों को पानी मिल रहा है स्वच्छ जल, और उन्होंने ये बात बताई कि सभी लोगों को पैसे देने हैं, जैसे कि उसके ये में था बताया गया था, लेकिन गांव में लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, तो यही स्थिति है और उसको लेकर सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा, या तो कोई पैसे को वहां से लेने की जो बात है उसको पुख्ता की जाए या फिर अलग से कोई फंड दिया जाए जिससे कि सुचारू रूप से योजना चल सके। आखिरी में अन्य किन बातों को लेकर हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे, आपकी पंचायत की कोई समस्या भी हो तो हमारे दर्शकों को बताएं। मिला जुला के हमारा पंचायत का कोई समस्या नहीं है, जो समस्या है उसमें हम लोग खुद सक्षम है, लगे हुए हैं कि पंचायत के माध्यम से हो या विधायक जी के माध्यम से हो या जिला के माध्यम से हो, उसको आदमी समाधान करने का हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि जो समस्या समाधान हो जाए जी। एक बात अरुण जी बताएं, अभी कोरोना की महामारी चली है और बाढ़ की समस्या भी आप लोगों ने देखी है, तो बाढ़ की क्या स्थिति में जो परेशान हुए लोग उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोरोना में मिला जुला के हमारा पंचायत अच्छा है, एक भी मरीज नहीं मिला हमारे पंचायत से, फिर भी हम लोग जिस समय चला था लॉकडाउन हुआ था प्रथम, तो हम भी पंचायत के अंदर दवा का छिड़काव करवाए थे, मास्क बंटवाए थे, साबुन बंटवाए थे, माने सब लोग जागरूक है, हाँ सब नियंत्रित है, हमारे पंचायत में एक भी मरीज नहीं मिला है कोरोना का। हाँ हाँ ठीक हो रही है। तो अब दर्शकों ने सुना बरहरवा पूर्वी पंचायत को लेकर मैंने बात किया है, अभी यहाँ पर अरुण कुमार जी हैं और इनसे जो इन्होंने सीधे सीधे मैंने आपको ये बात पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, आप दर्शकों से पुनः अपील है कि अपना कमेंट करें। आखिरी में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे पंचायत के इस व्यवस्था को लेकर, यहां सारा कुछ बेहतर है, और जो लोग हैं जो आपके पंचायत से जुड़े हुए उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों से या हमारे पंचायत के जनता जनार्दन से हमारा यही आग्रह है कि जो विकास के कार्य में जब तक समाज का सहयोग नहीं होगा, योगदान नहीं होगा, तब तक विकास कार्य नहीं हो सकता है। अकेला मुखिया जी चाहे कि हम विकास करें या वार्ड सदस्य चाहें या विधायक जी चाहें, तो ये संभव नहीं है। उस विकास के कार्य में हमारे पंचायत के जनता जनार्दन को भी पग से पग मिलाकर चलना होगा और हर समस्या के लिए या हर टोला के माने जिस टोला में जो समस्या हो उसमें बड़ बुजुर्ग को बैठा करके, मुखिया जी को बुला करके या वार्ड सदस्य को बुला करके उस समस्या के समाधान के बारे में विचार विमर्श किया जाए और सभी लोग का सहयोग मिले तो समस्या समाधान होगा ही होगा। चलिए जनता का सहयोग पंचायती राज व्यवस्था में, ऐसे भी ग्राम सभा उसका बड़ा ही महत्व रहा है और ग्राम सभा के साथ साथ अब वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का भी अपना एक बन गया है व्यवस्था, उसके माध्यम से भी जनता और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मिलकर पंचायत का विकास करें। आज के लिए बस इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, आगे भी ऐसी जानकारी को लेकर हम लोग आते रहेंगे। आपसे आग्रह जरूर रहेगा कि यदि आप इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं तो चौपाल समाचार से जुड़ जाएं, आप यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। नंबर अभी डिस्प्ले करेगा और आप उस नंबर पर अपना नाम, अपने पंचायत का नाम, अपने प्रखंड का नाम और जिला का नाम लेकर आप व्हाट्सएप जब करेंगे तो हम आपको संबंधित जो ग्रुप है जो उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसी खबरों को लेकर आते रहे इसी आशा के साथ। कैमरा पर्सन रणधीर कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।